हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त समीर कुमार। एसएससी सीजीएल 2024 प्री की कट ऑफ जब से रिलीज हुई है, हर बच्चा जिसने एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम दिया है वो डर में है। एंड नाउ एवरीवन एवरी एस्पिरेंट इज एंटीसिपेटिंग दैट द कट ऑफ ऑफ एसएससी एमटीएस 2024 आल्सो विल बी हाई। और कहीं ना कहीं आपको जो ये डर है ना वो लाजमी है, क्योंकि स्कैम की जो चर्चे चल रहे हैं सीजीएल प्री को लेकर के, वो उनसे आप लोग भली भांति रूबरू हैं। और एसएससी एमटीएस में भी स्कैम हुआ था, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली थी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और अपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। और बिहार के पूर्णिया में तो एसएससी एमटीएस 2024 का री एग्ज़ाम भी करवाया गया था 19 नवंबर को। तो इन सब के बावजूद कट ऑफ क्या जा सकती है? ऐसा नहीं मैंने कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाया, और ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। रीज़न जानते हैं, लगातार मुझे टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा इतना स्कोर है, मेरा नॉर्मलाइज इतना स्कोर है, मेरा रॉ इतना है, और ये जो कमेंट है ना, ये कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है यूट्यूब पर। अब एक जिनका स्कोर बहुत अच्छा है ना, दे आर ऑल्सो इन ड्रामा, वो भी डरे हुए हैं। तो कितना स्कोर हो कि आप डरो नहीं, आपको लग जाए कि आप सेफ हो, आप परेशान ना हो, पैनिक क्रिएट ना करो। तो एक वर्स्ट केस लेकर के चलते हैं, मतलब अगर कट ऑफ हाई चली भी गई तो कितनी जा सकती है, तो और आपका कितना स्कोर है कि आप खुद को सेफ मानो कि एटलीस्ट आप सिलेक्टेड हो, आप परेशान ना हो, थोड़ा दिमाग को शांत कर लो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर वर्स्ट केस भी चला गया, कट ऑफ हाई चली जाती है, एक एक्सट्रीम केस वो ले लेते हैं, तो कट ऑफ क्या जा सकती है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, टेस्ट बुक पर उम्मीद की किरण नाम से एक सेल चालू हो चुकी है। इस सेल के अंतर्गत आपको जो 700 रुपए यानी 699 रुपए का जो वन ईयर का पास प्रो मिलता था, वो जस्ट अभी आपको 395 यानी 395 रुपीज में मिल जाएगा, अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई करते हैं TRICK। और मॉक्स लगाना तो इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि मॉक की इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है एग्जाम्स को क्रैक करने में। और आप टेस्ट बुक के पास प्रो के अंदर प्रीवियस ईयर सेक्शनल है, टॉपिक वाइज है, हर तरह के मॉक्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और एक पास प्रो के अंदर आपको सिर्फ SSC CGL ही नहीं, CHSL है, MTS है, CPO है, GD है, स्टेनो है, इसके अलावा अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं उन सभी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अभी क्लिक करके टेक्स्टबुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सक्सेस की तरफ एक कदम और बढ़ा सकते हैं। तो अगर स्कैम भी हुआ है तो वर्स्ट केस में कट ऑफ कितनी जा सकती है, हर कोई यही जानना चाहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो 150 का होता है पेपर, ठीक है, जिसके बेस पे यानी इंग्लिश और जीके का स्कोर 150 होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 150 में 150 ही कट ऑफ चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब वैकेंसीज भी इस बार मतलब सही है भाई साहब, 9,500 वैकेंसीज है। अब आपको कि सर स्कैम हुआ है, सर उस स्टेट में स्कैम हुआ है, सेंटर पे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको पेपर में नकल करवाया गया था, चाहे जितना नकल करवा लें भाई, तब भी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो अगर 22 में देखें तो ये कट ऑफ गई थी और 23 की कट ऑफ इधर गई थी, तो इसके अगर हम बीच में देखें तो कट ऑफ जो होगी ना वो इसके बीच में ही रहने वाली है, अगर वर्स्ट केस हम ले रहे हैं उसके बावजूद भी। तो अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली कट ऑफ किसकी कितनी जाएगी, देखो UR हो गया, EWS हो गया, OBC और SC है ना, एंड देन ST, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो तो यहाँ पे अगर 125 कट ऑफ गई है, यहाँ 132 गई है, अगर वर्स्ट केस लेंगे ना तो 128 अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा है, 128 से 130 मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ 128 पे आपकी कट ऑफ बन जाएगी अगर वर्स्ट केस में ले रहे हैं, वरना इससे भी नीचे जाएगी 125 तक। EWS की जो कट ऑफ है ना वो 125 से 126 तक जा सकती है वर्स्ट केस में। और OBC की कट ऑफ अगर आपके 124 मार्क्स तक भी नॉर्मलाइज बन रहे हैं तो आप सिलेक्टेड हो, परेशान मत हो, ठीक है। और अगर आप 120 से लेकर के 122 के बीच में आपके बन रहे हैं, ऐसी कैटेगरी से हैं आप और नॉर्मलाइज्ड आपका इतना बन रहा है तो आप सेफ हो। और आपके अगर 116 से 118 के बीच में बन रहे हैं ST कैटेगरी में तो आप सेफ हो, ठीक है, चिल मारो, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। ये 2023 की कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई इसीलिए गई थी क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज जो थी बहुत ही कम थी, सिर्फ 1558 वैकेंसीज में इतनी कट ऑफ हाई गई थी।
तो अगर इतनी हाई इसमें गए, अब 132 से अगर मैं 130 तक ले रहा हूँ यानी सिर्फ 2 मार्क्स, तो इससे ज्यादा अब क्या ही आदमी लेगा कट ऑफ। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि 140 145 कट ऑफ चली जाएगी। और वैसे भी कट ऑफ तो हर स्टेट की अलग अलग जाती है, हर स्टेट की वैकेंसीज पर डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जाएगी। और ये जो मिनिमम कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वो उन स्टेट्स की है जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, या फिर ये उन स्टेट्स में भी कट ऑफ जा सकती है जिन स्टेट्स में वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो वहां की भी कट ऑफ ये जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कोई ऐसा भी स्टेट है जहां की वैकेंसी बहुत कम है और आपने उसको प्रेफरेंस में फिल कर रखा है और आप सोचो कि वहां की ये कट ऑफ चली जाएगी, तो वहां की नहीं जाएगी। तो ये वर्स्ट केस में मिनिमम कट ऑफ हो सकती है, वर्स्ट केस। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका स्कोर यहाँ लाइक कर रहा है नॉर्मलाइज स्कोर, तो चिल मारो, ठीक है, टेंशन मत लो और आगे की अपनी तैयारी करो, क्योंकि MTS आपका फाइनल गोल नहीं है। ठीक है, आपका अल्टीमेट गोल कुछ और है, आप सिर्फ MTS की जॉब इसलिए लेना चाह रहे हो ताकि आप एक जॉब ले लो, फिर उसके आगे आप प्रिपरेशन करो, तो आप अभी आगे की प्रिपरेशन जारी रखो। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका इतना नॉर्मलाइज स्कोर है, जैसे मैंने आपको कट ऑफ में बताया, अगर आपका इतना नॉर्मलाइज बन रहा है कहीं ना कहीं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप अभी खुद को थोड़ा चिल मारो यार, ठीक है, इतना टेंशन अच्छी बात नहीं होती है। और आगे की तैयारी भी अब करना शुरू कर दो जिनका स्कोर कम है। देखो, जो आपके वश में था, आपने एग्जाम दिया, जितना आपने स्कोर करना था, उस वक्त जो सिचुएशन रही, जो सर्कमस्टांसेस रही, उसके अकॉर्डिंग जो हुआ बेटर हुआ, और कहीं ना कहीं जो आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा वही आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। बट उसके लिए ज़रूरी है आप लगातार कोशिश करते रहो। SSC का कैलेंडर 2025 वाला जारी हो चुका है, तो अपनी तैयारी को रोको नहीं, उसको कंटिन्यू करो। अगर 2024 में स्कोर कम आया भी है और मान लो सिलेक्शन किसी वजह से नहीं भी हो पा रहा है, तो डरो नहीं यार, कहीं नहीं कि उससे बेटर पोस्ट आपको मिलेगी। हो सकता है आपका MTS ना निकले, लेकिन आपका CGL निकल जाएगा नेक्स्ट ईयर, आपका CHSL में हो जाएगा, किसी स्टेट एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे। वो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी जो दुख होता है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपको कैसा लगेगा। लेकिन जब उस चीज से आप बाहर निकलोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, जो बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, तो कुछ चीजें बुरी होती हैं जो हमें शायद करंट सिचुएशन पे अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं ना, तब हमको लगता है कि यार, वो जो हुआ जब हम बहुत ज्यादा दुख कर रहे थे, वो सही हुआ, ऐसा होता है। ठीक है, तो जो मिलेगा आपको बेटर मिलेगा, और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्लान ईश्वर ने सोच रखा होता है, तो आप उस प्लान पर भरोसा रखें और अपनी कोशिश करते रहें। आप अपना 100% दें जो आपके वश में, और जो आपने दे दिया अब उस पर आपको कोई वश नहीं है, तो आप कट ऑफ के बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कीप वॉचिंग, ठीक है, और लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।